वंदे मातरम एवरीवन। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम जनवरी 14 या 15 को मकर संक्रांति के रूप में मनाते हैं। जैसे कि बच्चों, हम दिन को दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, डे एंड नाइट, दिन और रात। उसी तरह से सनातन धर्म में हम एक मंथ को, वन मंथ को दो पक्षों में डिवाइड करते हैं। 15 डेज के अप्रॉक्सीमेटली दो पक्ष होते हैं, जिसमें एक पक्ष को हम कहते हैं कृष्ण पक्ष और दूसरे को कहते हैं शुक्ल पक्ष। कृष्ण पक्ष मीन्स अंधियारा पाप एंड शुक्ल पक्ष मीन्स उजियारा पाप। कृष्ण मीन्स होता है सांवला या डार्क एंड शुक्ल मीन्स होता है उजियारा, उजाला। जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक मंथ को, वन मंथ को, वन महीने को हम दो पक्षों में बांटते हैं, इसी तरह से सनातन धर्म में पूरे वर्ष को दो आयनों में बांटते हैं, उत्तरायन और दक्षिणायन। मकर संक्रांति से वर्ष का उत्तरायन शुरू होता है और इन दोनों आयनों को मिलाने से हमारा क्या बनता है, एक वर्ष बनता है। दक्षिणायन और उत्तरायन को जब हम मिलाते हैं, 6-6 महीने के ये दोनों आयन होते हैं, इन दोनों को मिलाने से एक वर्ष बनता है। ठीक, जो मकर संक्रांति का पर्व है वो सारे ही भारतवर्ष में या पूरे इंडिया में सेलिब्रेट किया जाता है। यस, बट हर जगह पे उसके नेम थोड़े थोड़े अलग है। मैम, गुजरात में मकर संक्रांति को कहते हैं उत्तरायन। ओके, तमिलनाडु में कहते हैं पोंगल। ओके, उत्तर प्रदेश में कहते हैं खिचड़ी। बिहार और झारखंड में कहते हैं सक्रात और आंध्र प्रदेश में कहते हैं संक्रांति। यस, पंजाब में हम इसे लोहरी के नाम के नाम से जानते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं, इंडिया एक फार्मर्स का देश है, किसानों का देश है। यस, एंड बी प्राउड टू बी। यस, तो इस ये जो हमारा फेस्टिवल है, ये हार्वेस्टिंग फेस्टिवल है। मैम, आपको पता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हार्वेस्टिंग? यस मैम, लाइक जब आपको जानना है क्या हार्वेस्टिंग मतलब क्या होता है? अगर जो हम फसल उगाते हैं, फसल जब मैच्योर होती है तो उसकी कटाई का एक टाइम होता है ना, उसको काटेंगे तभी हम उसमें से सीड्स उसके निकाल के, जो कि अनाज के नाम से हम जानते हैं, उसको हम लोग यूज करते हैं होल ईयर अपने बेनिफिट के लिए। वो हमारी अर्निंग का सोर्स होता है, उसी से हमारा सारा काम चलता है। आपको दे दी होगी ये तिलकुट खाने के लिए और ये लड्डू खाने के लिए जो गुड़ से बने होते हैं, है ना? यस मैम, क्योंकि ये सारी चीजें हमारे फसल कटती हैं तो पैदा होती हैं, तो इन सभी चीजों से ही हम चीजें बनाते हैं, मिलती हैं, यही चीजें खाते हैं हम। और दूसरा बेनिफिट क्या होता है, ये सारी चीजों की जो तासीर होती है या जो इसका बेनिफिट होता है वो वार्म होता है। यस, है ना? यस बेटा, राइट। दिस इज तिलकुट। ओके, ये तिल और गुड़ से बना है, ये भी गुड़ और लाई से बना है। Yes. तो क्या होता है कि जब हम ये चीजें खाते हैं तो हमारी बॉडी अंदर से बहुत वार्म हो जाती है, होती है। एंड विंटर सीजन में दैट इज रियली वेरी इम्पोर्टेंट। यस मैम, और जो है गुड़ जो है वो डाइजेस्टिव भी होता है, शुगर से ज्यादा बेनिफिट होता है, इसलिए हमारे कल्चर में ना गुड़ का ही। इसके अलावा जो भी चीजें हम खिचड़ी में डालते हैं, Yes. वो हमारे किसी ना किसी ग्रह को बहुत अच्छी तरह से प्रभावित करती है। और हम ये मानते हैं कि अगर हम मकर संक्रांति के दिन इन चीज़ों का सेवन करेंगे, इन चीज़ों को खाएंगे, तो ये हमारे को, हमारे जितने भी ग्रह हैं उनको सुधार देंगी और हमारे जीवन में सुख समृद्धि आएगी। ठीक है? Yes. और हम एकदम फिट एंड फाइन हो जाएंगे। Yes. Okay? So, ma'am, Can you please tell me ये क्या है? राइस। चावल जो है वो आपके कौन से ग्रह को प्रभावित करता है? चंद्रमा। चंद्रमा यानी मून। Yes. क्योंकि चावल का कलर क्या होता है? मून की तरह। सफेद, मून की तरह। Yes. तो जब आप चावल डालते हो खिचड़ी में, वो आपके चंद्र ग्रह को, आपके चंद्रमा को प्रभावित करता है, उसे ठीक करता, उसे ठीक करता है। Yes. और ये है काले उड़द की दाल, ये है उड़द की दाल। Yes.
तो उड़द की दाल किस किसके लिए है मैम? अभी हम लोगों ने जो श्याम वर्णों में बात किया उसमें एक देवता का नाम लिया था जो कि हमारे डेज नेम में भी है। ओ वाव मैम, शनि देव। हाँ यस यस, जो उड़द की दाल है वो शनि देव के लिए होती है और इससे हमारे शनि जो हमारा ग्रह है वो सुधर जाता है। यस, और हम क्या, वर्ष का उत्तरायण पक्ष शुरू होता है मकर संक्रांति से, और क्या होता है सन जो है वो धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करता है। सन कहाँ प्रवेश करता है? धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करता है और इसीलिए हम इस पर्व को मकर संक्रांति कहते हैं। ये हमारा प्यारा सन है और ये सन जो है वो धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करता है। ओके ना, तो मकर क्यों कहते हैं ये तो हम जान गए वर्षा मैम। तो मुझे बताओ कि कितने बच्चों को कैटवॉक पता है? कैटवॉक कैसी होती है? कैटवॉक क्या होती है? लाइक कैट की तरह वॉक करना ना। यस सर, लाइक कैट की तरह वॉक करते हैं ना, तो उसे हम कैटवॉक कहते हैं ना। ओके, तो जब सन वॉक करता है तो उसे हम कहते हैं संक्रांति। सन के वॉक को संक्रांति कहते हैं। सन वॉक कैसे करता है? वो एक राशि से दूसरे राशि में वॉक करता है। एक राशि से दूसरे राशि में वॉक करने को संक्रांति कहते हैं।